जी बाद में हो तुम मुझे क्या नहीं करता सर बोले कि उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप लिख के रखे हैं ना सर का कहना था कि वो जरूर ले लेने के लिए और सर के स्तर से बोला गया है कि उसकी हम जांच भी करवा लेंगे ऐसा नहीं है लेकिन उससे पहले जरूरी जो है कि जो इनका प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना हम बात किए सर से इमीडिएट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना तो अभी क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट तो हम हैं नहीं डॉक्टर यादव भी आ रहे हैं कल डॉक्टर आर एन यादव एक अच्छे हम लोग के ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं उनकी हम लोग राय लेने की बात कर ली है सर से भी तो कल जब सर चले आते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो पेशेंट है जो महिला पेशेंट है अगर उनको जाने में दिक्कत हो तो आज हम यहाँ ठहरवा भी देते हैं ठीक है ना जनप्रतिनिधि वार्ड में उनको हम ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं और जो पुराना रिकॉर्ड होगा ना कुछ जो भी होगा हाँ, सारा कुछ तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कोई कमी बेसी है और जो रिसेंट ट्रीटमेंट हो सकता है वो यहाँ तुरंत हम लोग कराने की व्यवस्था कर देंगे 1% अगर लगता है कि जरूरत पड़ेगी हायर सेंटर की भी मान लीजिए हम अभी नहीं बता सकते तो हायर सेंटर की भी व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से भेज के सब बोले हैं तो जो जो हमको सर साहब बोले हैं वो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं वो भी हम लोग व्यवस्था के तहत करवा देंगे अच्छा एक बात और है अगर पेशेंट्स कहीं बीपीएल कैटेगरी से भी हैं क्या उनका कुछ गोल्ड कार्ड वगैरह भी है पेशेंट्स का तो एक विशेष सुविधा है हम लोग के सदर अस्पताल में अगर मरीज के पास वो राशन कार्ड वगैरह है तो उनके परिजन से रिक्वेस्ट होगा कि वो लेकर के चले आए क्योंकि अगर कुछ नया चीज खरीदना पड़े इम्प्लांट वगैरह खरीदना पड़े तो कार्ड के थ्रू में खरीदा जाएगा ये इम्पोर्टेंट बात बहुत लोगों को नहीं जानकारी है अगर उनका नाम है उस बीपीएल सूची में इस सूची में यहाँ पर लोगों की जो मांग है उसके बारे में आप क्या कहें देखिए अभी सर क्योंकि हमारे सिविल सर्जन सर अभी व्यस्त कार्यक्रम में इंडिविजुअल कमिश्नर सर आए हुए हैं तो उनकी बैठक में शामिल हैं तो उनका भी इमीडिएट मेरे पास खबर आया कि सुबह से ये लोक जनतांत्रिक पार्टी के जितने जन अधिकार पार्टी के जितने भी अध्यक्ष हैं सचिव हैं और उनके कार्यकर्ता हैं उनका एक विशेष ये था एक यहाँ से कंप्लेन था कि एक पेशेंट है जिनका ऑपरेशन अस्पताल में किया गया था और उनका स्टील रॉड बाहर हो गया है जो शायद आप लोग भी देखे हैं तो मुझे भेजा गया तो मैं उनके जितनी मांगे थी उनको रिसीव कर लिए हैं और शाम 5 बजे के आसपास सर आ जाएंगे तो वो जो प्रशासनिक स्तर पर उनको जो भी जाँच करना होगा जो भी करना वो करेंगे लेकिन इमीडिएटली मानवता के नाम पर ऐसा मेरी समझ में आया कि पेशेंट्स को इमीडिएट एडमिट हम लोग को एडमिशन के लिए रखना चाहिए और कल 2-3 डॉक्टर्स जो भी हैं इस विभाग से संबंधित वो मिल करके देख लें कि हम लोग इनको कैसे बेहतर सुविधा दे सकते हैं और कहां पर हम लोगों से चूक हुई है डॉक्टर को बर्खास्त भी किया जा सकता है ये तो जांच का सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक हड्डी रोग विभाग है गलत विभाग है हड्डी तो सर आप भी देखें पूरा निकला हुआ है हड्डी नहीं पेशेंट में तो दिक्कत है पेशेंट्स को दिक्कत उस दिक्कत के आराम के लिए हम लोग बिना कंसल्ट किए ऑर्थोपेडिक सर्जन और उनसे वरीय पदाधिकारी हमारे सिविल सर्जन सर ये लोग एक जांच कमेटी डिसाइड कर लेगी कि आगे क्या कार्रवाई होगी लेकिन फिलहाल तो मरीज का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट्स का यहाँ बैड इन्वायरमेंट है दलाल का भी नाम ही लोग बता रही हैं तो वो सब तो जांच होगा ये लोग लिख के दिए हैं इनका पूरा हम ज्ञापन ले लिए हैं और सिविल सर्जन कार्यालय में दे दिए हैं 5 बजे के बाद हमने इनको बोला भी है कि चूंकि अध्यक्ष जी भी हैं सचिव भी हैं जिला अध्यक्ष भी हैं और स्टेट लेवल के भी यहाँ पर इनके हैं इन लोग दोनों से मैंने बोला है कि आप 6 बजे करीब आकर के एक बार स्वतः सर को एक प्रतिनिधिमंडल इनका मिलेगा और आगे की कार्रवाई के बारे में लेकिन उसके पहले मरीज को हम लोगों का संपूर्ण इलाज करना बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व के नाते अभी हम तुरंत इनको वार्ड में रखवा रहे हैं और पेशेंट्स के सारे जो कलेक्शंस हैं जितने पुराने पुर्जे हैं उनको हम रखवा दे रहे हैं हम लोग के यहाँ हड्डी रोग विभाग में 4-5 चिकित्सक हैं उनकी टीम बैठ जाएगी कल और टीम बैठ करके ये डिसाइड कर लेगी कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे हो और बेस्ट ऑप्शन कैसे हो जाँच करने के बाद जाँच करें क्या मुख मांगे आप लोग क्या थे वो है ये नहीं है अभी आपके सामने आप देखे हुए कि एक पीड़िता बैठी हुई थी जिनके पैर का ऑपरेशन कुछ दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र अन्य चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल से किया गया था और प्लेट जो है उनका ऑपरेशन का जो स्टील का प्लेट है वो बाहर हो गया है मौत और जिंदगी से महिला जूझ रही है और उनकी समुचित इलाज की अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है हम लोग एक सूत्री मांग के लिए यहाँ बैठे हुए थे कि डॉक्टर पर कार्रवाई हो सरकार उसके मुआवजा की व्यवस्था करे और डॉक्टर का निजी क्लिनिक का जो प्रैक्टिस लाइसेंस है उसको जो सरकार जो है तत्काल निरस्त करे
और उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर जितेंद्र पर काफी आरोप लगाया जा रहा है कि वो शायद ड्यूटी पीरियड में भी कुछ सेवन वगैरह करते हैं। यह बात जो है पूरे जनपद को यह बात पता है कि हड्डी रोग का हम यहाँ ऑपरेशन भी कम होता है और जिन लोगों को यहाँ एडमिट होता है लोग जो हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए दलालों के माध्यम से महला फुसला करके और जो है निजी क्लिनिक में डॉक्टर लोग ले जाते हैं जिसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार का भी नाम पहले एक बार बवाल हुआ था। कुछ दिन पहले भाई दिनेश भी यहाँ धरना पर बैठे हुए थे इन्हीं सब मांग को लेकर के और वो एक पेशा बना लिए हैं कि जो भी यहाँ भर्ती होता है हड्डी का ऑपरेशन के लिए उसको बाला फुसला करके अपने निजी क्लिनिक में ले जाकर के ऑपरेशन करते हैं और मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। हम लोग मांग करते हैं इसका पूर्ण रूप से जांच हो और जांच हो करके तुरंत उन पर अविलंब कार्रवाई हो निजी लाइसेंस उनका तुरंत निरस्त किया जाए। क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर बबन कुमार यादव, प्रदेश महासचिव सब प्रवक्ता बिहार।